जमैका दुनिया का 140वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसका क्षेत्रफल 10,991 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्र के बीच में बसा एक द्वीप देश है जो कि कैरिबियन सी में स्थित है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है और इसे जमैका का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। इस देश की अधिकतर भाषा इंग्लिश है। आपकी जानकारी में बता दें कि जमैका चलने वाली करेंसी को जमैका डॉलर कहते हैं। दोस्तों बता दें और भी कि जमैका एक स्वतंत्र द्वीप देश है और इस पर ब्रिटिश राजमंडल का अधिकार है। इसका अर्थ है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जमैका की राजशासक हैं, जो अपने सरकारी गवर्नर जनरल के द्वारा इस देश की देखरेख करती हैं। जमैका ग्रेटर एंटिलल का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है, जिसके नागरिकों को नारियल पानी, रम और सॉफ्ट ड्रिंक पीना बहुत पसंद है। जमैका रैप और हिप हॉप म्यूजिक के लिए विश्व भर में जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व प्रसिद्ध इंग्लिश सिंगर बॉब मॉर्ली भी जमैका से आते हैं। जमैका में मुख्य रूप से ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जमैका के यहूदी निवासी इस द्वीप पर सबसे पुरानी लोगों में से एक हैं। ब्लू माउंटेन कॉफ़ी, जो कि विश्व की बेहतरीन कॉफ़ी ब्रांड में से एक है, सिर्फ जमैका देश में ही उगाई जाती है। जमैका के मूल निवासी मकई, जमैका गन्ने, केले और आम की सर्वाधिक खेती करते हैं। जमैका के गन्ने व केले की मांग विश्व में बेहद अधिक है। पश्चिमी देशों में केले का पहला व्यावसायिक उत्पादक जमैका था। जमैका में एक्सोटिक ऑर्किड की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सोटिक ऑर्किड पहले भारत में पाई जाने वाले लिली फूल की तरह ही फूल की एक प्रजाति होती है, जिसे घर में रखना बहुत शुभ होता है। जमैका को खूबसूरत महिलाओं का देश भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं में 3 विजेता और 3 उप विजेता के साथ जमैका सही मायने में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं का देश कहलाने लायक है। जमैका ने 1994 में अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसका नाम था jamaicatravel.com था। जमैका का किंगस्टन हार्बर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। दोस्तों 1688 में जमैका डाक सेवा स्थापित करने वाला पहला ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र था। जमैका के लोगों को मांस खाना बेहद पसंद है। ये लोग मछली से लेकर लाल मीट तक खाना पसंद करते हैं। जमैका वासी चिकन बड़े चाव से खाते हैं। वह प्रतिदिन के खाते में चिकन इनका मुख्य आहार होता है। विश्व के सबसे तेज धावक, जिसे उमेश बोल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हुसैन बोल्ट के नाम से जाना जाता है, जमैका के ही मूल निवासी हैं। जमैका की संस्कृति में परिवार का अत्यधिक महत्व है और इसमें चाची, चाचा, चचेरे भाई और दादा दादी के करीबी व्यक्ति शामिल हैं। जमैका कैरेबियन देशों में सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला द्वीप है। हालांकि जमैका की राष्ट्रीय अंग्रेजी है, लेकिन ज़्यादातर लोग पोलिश बोलते हैं, जो कि एक अंग्रेजी आधारित कैरोली भाषा है। 1962 में जमैका यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हासिल करने वाला पहला कैरिबियन देश था और स्वतंत्रता का दावा करने के बावजूद जमैका ने राष्ट्रमंडल के सदस्य का दावा करने का बावजूद जमैका राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहने की सही समझा, जिसके तहत आज भी महारानी एलिजाबेथ के अधिकार इस देश पर चलते हैं। रम जमैका का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है। यह पेय पदार्थ 7वीं शताब्दी के बाद ही जमैका देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जमैका रंग भेद शासक के खिलाफ आधिकारिक रूप से आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था, जिसके तहत इस देश की काले गौरव को भेद मिटाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। दोस्तों आप भी बता दें कि जमैका पिछले कुछ वर्षों में जमैका के लगातार दुनिया के शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक रहा है। 5वें स्थान दिया गया है इस विश्व में। जमैका द्वितीय चारों तरफ 4 से अधिक खूबसूरत सार्वजनिक समुद्र तट हैं, जो हर समय पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नेग्रिल और डॉक्टर्स के बीच है, जिस देश का हर साल हजारों पर्यटक इस देश में आते हैं। जमैका की कुल जनसंख्या 2,990,561 है, 2017 के अनुसार है।
इस देश की साक्षरता 88.7% है। जमैका का कुल सकल घरेलू उत्पाद 14.8 मिलियन डॉलर है और इसकी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो $5,402 है। जमैका की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कि कृषि, पर्यटक, खनन और अर्थव्यवस्था पर्यटन से आती हुई है। जमैका की सरकार संवैधानिक और राजतंत्र के तहत एक पसंदीदा लोकतंत्र प्रकार की है और जिसकी प्रमुख महारानी एलिजाबेथ है। 1990 के दशक के अंत में जमैका की अर्थव्यवस्था को बेहद नुकसान हुआ था और उस समय इस देश की GDP पूरी तरह से गिर गई थी, जिसके बाद जमैका के नागरिकों ने कृषि पर आधारित बल देकर GDP को स्थिर रखने का प्रयास किया, जिसमें से सफल रहे। जमैका में एक संपन्न विमानन उद्योग भी है जो कि विनिर्माण और वायुयानों को ठीक करने का केंद्रित है। जमैका की जलवायु नम मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय है और इस देश में पूरे वर्ष तक उच्च तापमान रहता है। जमैका में परिवार महिलाओं के नेतृत्व में चलते हैं। बच्चों को पालने और उनके परिवार को सहारा देने के लिए माताएं जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों, जमैका वासी अपनी बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा तकनीक का उपयोग नहीं करते, बल्कि ये लोग भोजन, प्रकृति और उपचार व शक्ति आधारित ध्यान से अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। जमैका के 90% से अधिक निवासी अफ्रीकी मूल के होते हैं। जमैका में भी प्राचीन समय में विश्व के अन्य देशों की तरह दास प्रथा प्रचलित थी, जिसके तहत पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब लोगों को अपने मालिक का दास बनकर रहना पड़ता है। लेकिन सन 1834 में इस देश ने दासता को समाप्त कर दिया गया। उस दौरान 1 मिलियन दासों को मुक्त किया गया था। दोस्तों, जमैका का ध्वज काला रंग, हरा व पीले रंग का है, जिसमें से काला रंग कष्ट, हरा रंग कृषि और पीला रंग धन व सुंदरता का प्रतीक है। जमैका के देश की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1494 में की थी व क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस देश को सेंटियागो नाम से पुकारा था। जमैका का मैनचेस्टर गोल्फ क्लब पश्चिम गोलार्ध का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। इस द्वीप का लगभग आधा हिस्सा समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर है। जमैका द्वीप की सतह का आधे से अधिक भाग सफ़ेद चूना पत्थर से ढका है और उसके नीचे पीला चूना पत्थर है। फिल्म्स ने जमैका अपने सपनों का घर बनाया था और इस घर को गोल्डाइन के नाम से भी जाना जाता है। जमैका ने सर्वप्रथम 1988 के शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था, जिसके बाद यह शीतकालीन खेलों में प्रवेश करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय देश का बन गया था। जमैका का राष्ट्रीय ध्वज इखी और स्लैश फिश है, जिसे तले हुए या उबले हुए पकौड़ों के साथ परोसा जाता है और यह अक्सर नाश्ते के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जमैका पश्चिमी दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया था। जमैका का हीलिंग वाटर कई प्राकृतिक खनिज और गर्म झरनों से बना एक कुंड है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें चिकित्सीय गुण पाए जाते हैं। इस कुंड में शरीर के कई रोगों के ठीक करने की शक्ति है। जमैका में आपको प्रत्येक किलोमीटर के बीच में एक रम की दुकान अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि इस देश के लोग रम को पानी की तरह पीते हैं। जमैका दुनिया के सबसे खुशहाल स्थानों में से एक है, जहां के लोग नाच गाने व जीवन का जमकर लुत्फ़ उठाने वाले होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जमैका के बारे में जो भी पसंद आया हो उसे लाइक कमेंट करना